नमस्कार साहब, एक नई लेख मैंने छोड़ा है, थोड़ा सा लेख लिखा है और ये बौद्धिक व्यापार मंच पे एक चर्चा चल रही थी जिसमें रिजर्वेशन के बारे में बात चली कि हमारे खड़गे साहब के पास में इतना है, आज क्या नाम उनका, खड़गे साहब है दलित नेता और उनके पास इतनी संपत्ति है, ये है वो है। तो किसी ने, हमारे एक मित्र हैं सुरेश अग्रवाल, वो भी बिट्सानी के हैं दिल्ली से, उन्होंने कहा ये सब गलत रिपोर्टिंग है, हर दल के अंदर ऐसे नेता है। तो एक ऐसी तरह से एक चर्चा चल रही थी तो मैंने उसी के ऊपर एक छोटी सी बात लिखी है कि एक तरफ आलोचना से बचे, रिजर्वेशन जाति के नाम से। अब एक मेरे दिमाग में एक बात आई, बौद्धिक व्यापार मंच में मैंने भी उसको डाला है कि आपको ध्यान होगा कि कुछ हमारे मोदी जी कुछ ना कुछ नया लाते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ मोटिवेशन लाते हैं और वो जनता को प्रेरित करते। तो ये और वो उनकी मुहिम ऐसी है कि पहले स्वच्छता के लाए, शौचालय के लाए, फिर एक तरह तरह की मुहिम लाते हैं। तो मैं उनसे एक प्रार्थना करना चाहूँगा अपने इस छोटे से लेख के माध्यम से कि साहब एक छोटी सी मुहिम लाएं कि जो हमारे जाति के नाम से या रिजर्वेशन के नाम से जो लोग उड़ गए हैं, जो रिच हो गए हैं, जो अपने आप को सोचते हैं कि हम प्रभावशाली हैं, हम इन्फ्लुएंस हो गए, हम सेटिस्फाइड हैं, हमने नौकरी पाई और ये हमारे देश के जो संसाधन है, धन है, वही एक सीमित बजट होता है, यदि हम इससे चिपके रहेंगे तो हमसे जो नीचे डिप्राइव लोग हैं उनको उनका हक कैसे मिलेगा। यदि हम वास्तव में देश के प्रति वफादार हैं और यदि हम वास्तव में उस जाति को बिलोंग करते हैं कि हमें अब नीचे से जो मुटके आए उनको हमारा उनका हक मिलना चाहिए, तो हमें स्वयं ये कहना चाहिए कि अब हम रिच हो गए, हम अमीर हो गए और स्वाभिमान से बड़े फख्र से कहना चाहिए कि भाई हमने अपने समस्त अधिकारों को जो कि बेनिफिशियल से लेने के अधिकारों को हमने छोड़ दिया, जैसे गैस की सब्सिडी छोड़ी है इसी तरह से। तो मैं आज फिर से उनसे कह रहा हूँ कि जैसे कि आज़ादी का जश्न जिस तरह से मनाया गया है, यदि यही मुहिम जैसे गैस सब्सिडी का एक मुहिम बनाया गया था और अब वे अमीर हो गए हैं जो संपन्न अपने आप में अंदर से, मैं नहीं कहता कोई मापदंड हो, अंदर से जो कहे मैं अमीर हूँ, मैं संपन्न हूँ और बड़े फख्र से उनको एक सम्मान दिया जाए कि साहब ये अब अमीर हुआ है, ये इन्होंने अपने अधिकार स्वयं छोड़ दिया, हालांकि वो कभी भी अपने अधिकार ले सकते, कल के दिन की पीढ़ी है जो, तो धीरे धीरे आप देखेंगे तो ये इकोनॉमिकल बेस पे अपने आप आ जाएगा। ये अमीर का ये रिजर्वेशन का ये फंडा है वो इसलिए दिया गया था कि हमारे बीच में एक जाति के नाम से जो उच्च लोगों पर बैठे हुए थे, जो पैसे से भी गरीब है, जाति से भी गरीब है, तो हायर पोस्ट पर नहीं बैठ पाते थे, तो उनको एक प्रेशराइजेशन होता था, जब उच्च सीटों पे बैठ गए और अच्छा खासा प्रतिनिधि हो गया तो वो इस पर कल्पना करी गई थी कि ये गरीब जो आएगा कम से कम वो लोग उनसे तो पैसे नहीं मांगेंगे, उनसे उनका शोषण तो नहीं करेंगे, तो कम से कम अपनी जाति अपने प्रदेश से जो आदमी छोटे तबके से आया है वो छोटे लोगों की रक्षण करेगा। तो इसके लिए भी हम यही कहना चाहेंगे कि जो हम स्कूलों में बचपन से यदि हम इनके मानसिक इनके मन में एक प्रेरणा दें, शुरू से शिक्षा के साथ साथ यदि एक मानव वैज्ञानिक रूप से इनको शिक्षा दें कि हमें सरकारी पोस्ट, हमें पद मिला है, जो भी हमको हुनर मिला है, जो भी हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान का उपयोग हम मानव कल्याण के लिए करेंगे। इसी के साथ हमें कहना चाहूँगा कि हम सब लोगों का एक ही विषय होना चाहिए कि जो गैस सब्सिडी की छोड़, इसी तरह से जो अमीर संपन्न हो गए उन्हें अब स्वतंत्र नागरिक की अवधारणा करनी होगी, तभी कभी ये देर होगा, दूर होगा, ये सब चीजें दूर, ना जाने कितने लोग इस उच्च वर्ग में उभर कर निकलेंगे, जो जिन लोगों को रिजर्वेशन उससे निकल के निकल, वही यही रिजर्वेशन क्यों दिया गया, इससे ऊपर निकलेंगे वो, वे आज सफल संपन्न कहलाएंगे, ये उनके लिए गौरव का विषय, वो फक्र महसूस करेंगे कि कल के दिन देखो साहब आज मैंने उच्च घर में उच्च वर्ग में आया हूँ जबकि मैं नीचे वर्ग से निकला था और इनकी स्कीमों को थाके, और उनको समाज एक्सेप्ट करेगा। जब हम हिंदू समाज में कहते हैं ये जाति इस जात का है, तब देखेंगे आप धीरे धीरे जो आदमी संपन्नता हो जाती है, संपन्नता की कोई जाति नहीं होती, संपन्नता के अंदर देखा होगा आपने हुनर वाले होते हैं, एक दूसरे शादी कर लेते हैं, इसी तरह से जब संपन्नता भी अपने आप एक वो है सफलता की निशानी, तो जो सफलता है वो नैतिकता से उसने पैसा कमाया है, उभर के दिखाया है, तो ऐसे लोगों में जब आपस में शादी होगी तो धीरे धीरे ये हमारी जाति का और ये दिमाग का जो भूत है उतर जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम ले रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।